और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो श्रेष्ठ वहाँ है, अवसराधिकारी कहाँ है, अवसर नेता आजकल कहाँ है। आज लालू जी भी कहते हैं कि हम उन्हीं का नाम लेकर सब नेता जीते हैं, मगर उनके पर जो है ना ओकरे चलन पर उसके एक पैर भी उसके जगह पर नहीं है कि जो हम उसके राह पर चलें। आज लालू जी कहते हैं कि हम ये है वो है, वो भी वही है जो गरीबों के नाम पर लेकर और पैसा सारी दौलत अपना आरोप करते। हमारे पिता बाबूजी कर्पूरी ठाकुर जो रहा करते थे हर गरीब के लिए अपना, तो आप उनको बाबूजी बोलते थे? हम बाबूजी अभी भी हमारे घर का जो है ना वो सदस्य है, अभी उनके घर पे आते जाते हैं, उनका भी जो सेवा सत्कार, उनका लड़का है वीरेंद्र ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हो चश्मे बिहार रियासत में आपके साथ है। यह कहानी है एक ऐसे हुनरमंद व्यक्ति की जो कभी मुख्यमंत्री के आवास पर कुर्ता पजामा सिला करते थे और मुख्यमंत्री आवास में रहा करते थे, लेकिन आज वो फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। एक छोटी सी सिलाई मशीन है, टूटी हुई कुर्सी है जिस पर बैठकर आज वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका नाम है यूनुस आलम। और आपको हम बता दें कि जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यही व्यक्ति जो है वहाँ उनकी कपड़े सिलाई करते थे और सीएम आवास में उनको एक रूम दिया गया था, वहीं रहकर वो अपना काम करते थे। लेकिन आज उनकी ये हालत हो गई है कि एक टूटी हुई कुर्सी है और एक टेबल है जहाँ पर बैठ कर वो अपना जीवन यापन करते हैं, और बहुत मुश्किल से जब कोई ग्राहक आता है तो अपने बूढ़े पैरों से इस मशीन को चलाते हैं, कपड़े की सिलाई करते हैं। जिस सिलाई को पहनकर कर्पूरी ठाकुर कभी आंदोलन लड़ा करते थे, अब वो सिलाई महज एक फुटपाथ पर आकर रुक गई है और उनकी ज़िंदगी जो है संघर्ष से भरी पड़ी है। हम आपको यूनुस आलम से भी मिलाएंगे थोड़ी ही देर में। वो अभी कहीं खाने गए हैं और हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं, उनके बारे में उनसे खुद जानेंगे कि ये ज़िंदगी उनकी कैसी पलटी कि कभी मुख्यमंत्री आवास पर रहा करते थे और अब फुटपाथ पर वो जी रहे हैं। तो यूनुस आलम जिसे हम आज बात करेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी बीती और कभी मुख्यमंत्री आवास पर आप रहा करते थे और अब आप साइड में फुटपाथ के किनारे अपनी दुकान लगा कर बैठे हैं, कैसे हुआ ये सब, क्यों आपको वहाँ से निकाल दिया गया और कब? हमने जो आप शुरू से हम जो बाबू जी के साथ रहे और हम खादी ग्राम उद्योग में हम जिंदगी बचपन से हमने ज़िंदगी उसमें कटा, वो दुकान न्यू मार्केट में पटना जिला खादी ग्राम उद्योग। हमारे पिता बाबूजी श्री कर्पूरी ठाकुर जो है ना उसके आवास पर जो है ना कदम कुआं कांग्रेस मैदान के पास उसके आवास है, पूरब साइड में जहाँ जीपी बाबू का मकान है वहीं पर खादी भंडार हम लोग का सेंट्रल स्टोर है, वो वहाँ जाया करते थे। आने जाने के बाद वहाँ कुछ एक घंटा दो घंटा वहाँ विलम्ब करते थे, वहाँ के जो और लोग थे उससे बातचीत करते थे, चाय पानी वो खाते थे, फिर वहाँ से अपना आवास चले आते। हम खादी भंडार में काम करते थे, हमको भी आदेश मिला कि बेटा हमको भी कुर्ता बंडी बना दो। कर्पूरी ठाकुर जी ने? जी हाँ, उसने कहा बेटा मेरे को भी बना दो, हम ले बाबू जी आपको भी ज़रूर बना देंगे जी। जब उनको कपड़ा हमको दुकान से ऑर्डर हुआ कि आप ये कपड़ा लेके आओ, उनका कपड़ा को बना देंगे। तो आप उनका कपड़ा बनाए करते थे कर्पूरी ठाकुर जी? कपड़ा बनाने लगे जी। उस दिन से उनसे चाहते, हमारे पिताजी भी उनके साथ आंदोलन में हर समय थे। हमारे पिताजी 1942 के सिपाही है जो अंग्रेज़ भगाने की हुकूमत में उस समय उनके साथ थे। तो आपके पिताजी भी एक मतलब कहूँ तो सिपाही रहे हैं जब आंदोलन का समय? आंदोलन के समय। उसके बाद हमने जो सच्चाई नेक रास्ता पर हम चले, गांधी में गांधी जी के आवास पर उनके कारोबार में हम समर्थन रहे, गांधी जी के कारोबार में उसकी दुकान में हमने ज़िंदगी अपना बसर कर लिया। उसके बाद वहाँ के रहने के बाद फिर हमारा कुछ दिन वहाँ रहे, उसके बाद हमारा बाल बच्चे कुछ आ गए यहाँ, हम लोग यहाँ पटना में, हम फोर्थ ग्रेड के आदमी दो पैसा कमाने वाला, चार पैसा कहाँ से हम खर्चा कर सकते। उससे बाबूजी से हमने बोले कि बाबू श्री कर्पूरी ठाकुर कम ने बोले कि बाबूजी हमको कहीं शरण दीजिए रहने के लिए, हमारे बाल बच्चा इकल्ला नहीं, तो हम जिंदगी कहीं भी ले रह ले जी। तो बाल हमारा परिवार है, हम कहाँ रहें? तो उसने कहा ऐसा कि ठीक है, ऐसी अगर दिक्कत है तो हमारे आवास पर चले आओ, हम तो सर्विस। ठाकुर जी ने आपको अपने आवास पर रखा? हाँ, मतलब आप वहाँ उनका काम करते थे कुर्ता पजामा सिलने का? हाँ हाँ, हर चीज़ उसका वस्त्र हम बनाया करते थे जी। और कब तक आप वहाँ थे? ओ, जब तक मतलब उस फ्लैट में जब तक रहे, अपनी बात उस फ्लैट में ही उसकी मौत हो गई। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक आप उनके साथ थे? उनके साथ वहाँ थे, दुकान पर भी थे, आन जान होती थी, उसके बाद उनका भी सेवा सत्कार हम उनको किया करते थे। वहाँ गए के बाद फिर हमारा बाल बच्चा यहाँ आ गए तो आवास पर रहने लगे, प्रवास भी उनके साथ, जब हम दुकान की ड्यूटी करने के बाद भी अपना आवास पर आते थे तो बाबूजी के साथ में रहते थे, क्योंकि कुछ साथी संगत आता था, भाई जरा काम कर दो, जरा उनको सेवा करो, जरा पानी पिलाओ, चाय पानी, उस सेवा में हम लगते थे। तो उनके
जाने के बाद आपको फिर कब आप वहाँ से मतलब मुख्यमंत्री आवास से हटा दिया गया? फिर मुख्यमंत्री का आवास जो है ना वो म्यूजियम हो गई, म्यूजियम हो गया, म्यूजियम हो गई थी। हाँ, लालू जी के समय में बकरवाद का स्मारक होने के बाद स्मारक का आदमी वहाँ का अधिकारी लोग वो बोला कि भाई अब यहाँ हमारे पास डेरा नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए, हमको आदमी की जरूरत है, हमको डेरा खाली कर दीजिए, हमारा आदमी रहेगा। तो आपको संग्रहालय से निकाल दिया? हमको संग्रहालय से निकाल दिया गया। हम संग्रहालय के पीछे एक गली है समझे, उस गली के अंदर में हमने बांस लिया, हमने रोड पर से मिट्टी लेके कुछ ला के वहाँ पर भर के और बाद उस पर झुग्गी झोपड़ी बना के खर ला के उसको झुग्गी झोपड़ी बनाया और उसमें हमने बाल बच्चा रहने लगे। तो लेकिन आप जब सीएम आवास में रहते थे तो फिर आपको वहाँ के बाद नौकरी नहीं दी गई कहीं? जी नहीं, उस समय की नौकरी का हम लोग इतनी चाहत नहीं थी, हम सेवा में लगे हुए रहते थे, ये नहीं हमारी ख्वाहिश थी कि हम नौकरी हमको दी। आप उनके सेवा में लगे थे? बस इतनी बात जानते हैं हम उनका, ये नहीं कभी कहें कि बाबूजी हमको नौकरी दे दीजिए, हमको ये आनंद आता था कि उनका सेवा करने में, उतनी ईमानदार और उतने श्रेष्ठ आदमी अभी तक बिहार के अंदर में कोई पैदा नहीं लिया। आप यहाँ पर कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हम 4 साल से हम इस जगह पर बैठे। 4 साल से? हाँ। क्यों? तो 4 साल पहले तक क्या करते थे? इससे पहले हम जो है ना बोरिंग रोड में खादी भंडार था, उसमें हम काम किया करते, वो भी खादी भंडार बंद हो गया, फिर हमने अपना आवास पर चले आए। तो बाल बच्चे कहा कि पापा हमको मन नहीं लगता है, तो बेटा हम बाहर जाना चाहते हैं। फिर कल के पापा बाहर इस उम्र में कहाँ जाइएगा, क्या तकलीफ होगा आपको, कहाँ रहिएगा आप, यहीं फिर भी जिंदगी आप रहिए। बाल बच्चे क्या करते हैं? हमारे बाल बच्चा एक बड़े बाल बच्चा है, वो अपना गाड़ी एक्ट्रो लोन पर लेकर वो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं और बाकी तो आपके साथ रहते हैं सब? हाँ जी, अभी हम सब परिवार सब कुछ सही चल रहा है। अभी सही चल तो ये आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं? जी हम अपनी मर्जी, आखिर जो अगर नहीं हम ये रोजगार करेंगे तो दो पैसे बाल बच्चे से हम कितना मांगेंगे। यहाँ पर आते तो 10 भाई से 10 आदमी से मिलजुल बात विचार होती रहती, आनंद रहता है। और बाद खाने पीने के लिए अपने बच्चे कहा कि ठीक है पापा अगर आपको खाने के लिए कमी आप घर में बैठ के खाइए, हमके लिए नहीं बेटा घर में मैं बैठ के नहीं खाऊंगा। तो आपके आपको सरकार से कुछ नहीं चाहिए? हमको सरकार ने कभी दिया लेने ही नहीं, कोई दिन देंगे तो लेने के लिए किसने नहीं चाहता है, मगर वो चीज़ कभी नहीं दिया, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अन्य हम पर उसको कहे तो कहता है यार नौकरी। आपकी उपलब्धि आपके संघर्ष बहुत ज़्यादा है, ये उपलब्धि है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी का कुर्ता पजामा सिला करते थे और वही कुर्ता पजामा सिल पहनकर वो आंदोलन किया करते। बहुत 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 तो आपसे कोई दूसरे मंत्री नहीं बोले कि हम मेरा भी सिल दीजिए ऐसा कुछ? नहीं ऐसी बात नहीं। तो किसी ने आपसे? और जिसकी जरूरत पड़ता है तो वो हमारे अगर वो काम कराते तो हमारे मजदूर दूसरे आदमी। तो आप कितने देर तक यहाँ पे बैठते हैं? यहाँ पर हम सवेरे 9 बजे आते हैं और 5 बजे तक रहते हैं। हाँ जी, और 5 बजे के बाद अपना चले जी, जो भी खाना खाना जाते हैं, खाना पीना जो अपना घर में जाके बाल बच्चा के साथ खा के फिर अपना चले। जो हुआ 150 रुपया जो मजदूरी अपना 10-20-50-150 कमाते हैं, बाल बच्चा अपना भी जीवन सिंह बसर। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो श्रेष्ठ वहाँ है, अवसर अधिकारी कहाँ है, अवसर नेता आजकल कहाँ है। हाँ। आज लालू जी भी कहते हैं कि हम उन्हीं का नाम लेकर सब नेता जीते हैं, मगर उनके पर जो है ना उसके चलन पर उसके एक पैर भी उसके जगह पर नहीं है कि जो हम उसके राह पर चलें। अभी जितने भी है सब गंदे लोग हैं जो लूट घटोस बेईमानी झूठ जितने भी हो सके। आज लोग कहते हैं बिहार में गरीबी है, गरीबी है, गरीबी क्यों गरीबी? सब नेता कहता गरीब बन कि गरीब की हमने ज़िंदगी बसर करेंगे, उसके लिए देखभाल करेंगे, उसकी हर उपलब्ध करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद फिर किसी नहीं जाते हैं। हमारे पिता बाबूजी कर्पूरी ठाकुर जो रहा करते थे हर गरीब के लिए अपना। तो आप अपना उनको बाबूजी बोलते थे? हम बाबूजी अभी भी हमारे घर का जो है ना वो सदस्य है, अभी उनके घर पर आते जाते हैं, उनका भी जो सेवा सत्कार, उनका लड़का है वीरेंद्र ठाकुर, 2 लड़का है उनका रामनाथ ठाकुर है, एक बड़ा लड़का, दूसरा लड़का जो है डॉक्टर साहब है जो लेबर डिपार्टमेंट। हम अभी भी हर रोज़ यहाँ पर मुलाकात होते हैं, हम उनके डेरा पर उनके बाल बच्चे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम जाकर उनका सेवा करते हैं, फिर हम अपना आवास पर चले। तो ऐसी थी आपकी ज़िंदगी सीएम आवास से यहाँ तक की? हाँ, अपने बाद आज की दुनिया में कौन देखने वाला किसकी का फायदा? आज के नेते लोग जितने आज लालू जी कहते हैं कि हम ये हैं वो है, वो भी वही है जो गरीबों के नाम पर लेकर और पैसा सारी दौलत अपना हड़प करते। कौन सा ऐसा मंत्री या कौन सा ऐसा विधायक है जिसको 3 लाख रुपया या 2 लाख रुपया वेतन नहीं मिला करते? हर गाड़ी से लेकर हर सुविधा दिया जाता है, फिर वो रिश्वत क्यों लेते हैं? क्यों मतलब गरीब की धड़ हक जो वो मारते हैं उसको हक गरीब को क्यों नहीं देते हैं? ये तो आजकल की दुनिया है, आजकल के राजनीतिक करने वाला यही है कि अपनी दौलत के लिए कमाओ, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उस समय ज़रूरत पड़ता है कि अब उनकी हमको ज़रूरत है वो कटोरा लेकर चले जाते हैं कि हमें मदद करिए भाई हमें आपकी ज़रूरत है, और जब उसकी ज़रूरत पूरा होने के बाद फिर वो पलट कर भी उसको देखने के लिए नहीं जाता है कि आपको क्या चीज़ का बस की ज़रूरत है, आपके खाने की ज़रूरत है, कि आपको बसर की ज़रूरत है, कि आपके बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, या आपको जो है
कुछ मदद अगर की जरूरत है तो हम सरकार से लाकर हम आपको पद तक पहुंचा देते, वो किसी ने नहीं करता। वो सब सरकार जो है जितनी भी आजकल की सरकार बनते हैं सब जो है ना अपना फायदा के लिए, सरकार तो गरीब के नाम से ही पैसा लेते हैं यहाँ के जितने नेता हैं, और वो सब अपना पॉकेट और अपना घर भरते हैं, और गरीब के लिए किसी ने जान नहीं दिया। अभी हमारे पिताजी बाबूजी गरपुरी ठाकुर रहा करते थे तो उसने जो अपना हर चीज़ माल दौलत करते, गरीब का हक मिले वो गरीब के लिए रहता था और गरीबी के लिए जिया। वो कहा गरीब का हक उसको क्यों मारते, उसको वहाँ तक पहुँचाओ, हम नहीं अगर पहुँच पाता तो हम खुद लेकर वहाँ जाते हैं। तो उसके साथ और भी और लोग स्टाफ लोग रहा करते थे और विभाग के आदमी वहाँ खुद जाकर पहुँचाते थे, उससे अभी तक श्रेष्ठ नेता नहीं पैदा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ यूनुस जी, उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे आजकल बहुत बड़े बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन फिर भी कोई उनके तरह नहीं बन पाया था। इनकी ज़िंदगी जो है वो मुख्यमंत्री आवास से अब यहाँ तक पहुँच चुकी है, और इन्होंने साफ तौर से बता दिया कि इनके पास कोई भी अभी तक नहीं पहुँचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनकी मदद कर सकते हैं और जो इनके लिए आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।